औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे प्रूव करना है आप लोगों ने कि ये जो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ज़्यादा वैल्यू गिवन है, यानी कि आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको आपने राइट हैंड साइड को लेके इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, आप लोगों के पास राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस जी, उसके बाद आप लोगों के पास इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास है राइट हैंड साइड में। इसको आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स को इस वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। इसी तरह प्लस ओमेगा वाई को इस सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, अगर जगह कम है, प्लस ओमेगा वाई, इस प्लस ओमेगा वाई को इस सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। इसी तरह फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी के साथ। तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जी ये तो एज इट आएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर फिर एक्स, यहां पे ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और फिर ये एक्स ओमेगा जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स जी। फिर उसके बाद यहां पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों के पास प्लस ओमेगा एक्स वाई, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, नेक्स्ट लास्ट टर्म से करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी। इसी तरह यहां पे करें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे मैंने ओमेगा पहले लिख लें बाद में लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फिर आपने यहां पे करना, जब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो ये ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, 4। तो आप ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा 3 और ओमेगा भी लिख सकते हैं और ओमेगा 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे एक साथ में आ जाएगा वाई जी। इसी तरह यहां पे लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो ये आप लोगों के पास ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर ली इसकी। अब आप लोगों ने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं यहां पे आप लोगों को सेंस में बता दूं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास ओमेगा की पावर 4 है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 1। ओमेगा 3 अभी आपने पढ़ा 1 होता है और साथ में क्या बचा, ओमेगा। तो यहां पे यानी ओमेगा 4 किसके इक्वल आता है, ओमेगा के। तो इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग मजीद तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। रीअरेंज करके लिखे, पहले तो ये वैल्यू पुट कर लें आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी। फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास ओमेगा एक्स वाई, यहां पे ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहां पे आप लोग पुट कर दें 1, साथ में क्या है वाई स्क्वायर। इसी तरह यहां पे ओमेगा स्क्वायर वाई जी, यहां पे आप लोगों के पास
ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, और यहां पे ओमेगा की पावर फोर, अभी मैंने बताया ओमेगा की पावर फोर किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ओमेगा वाई जी, और लास्ट पे फिर आप लोगों के पास ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग, वन और साथ में जी स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है x प्लस वाई प्लस जी। तो अब आप लोगों ने स्केयर वाली पहले लिख ली वैल्यूज, तो ये आप लोगों के पास एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर प्लस जी स्केयर। नेक्स्ट आप लोगों ने एक्स वाई यहां पे भी है और यहां पे भी है, इनको कंबाइन करके लिखे पहले, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ओमेगा एक्स वाई। फिर आपने वाई जी वाली लिखनी है, तो यहां पे भी वाई जी है और यहां पे भी वाई जी है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा वाई जी। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक्स जी या जी एक्स वाली, तो यहां पर देखे ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। तो ये स्टूडेंट्स आपने सारी वैल्यूज लिख ली, दोबारा देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो बाहर वैल्यू थी एज इट रहने दी, इससे एक्स प्लस वाई प्लस जी, आगे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, फिर आपने एक्स वाई वाली वैल्यूज लिखी, फिर आपने वाई जी वाली वैल्यूज लिखी, और फिर आपने एक्स जी वाली वैल्यूज लिखी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिंस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल जीरो, तो अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस वन के। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो यहां से आप लोगों के पास कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स वाई यहां पे कॉमन, फिर यहां से कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास वाई जी, रिमेनिंग आप लोगों के पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर यहां से आप लोगों के पास कॉमन आ जाएगा एक्स जी, रिमेनिंग आप लोगों के पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपने ये जो वैल्यूज हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो वन प्लस टू या टू प्लस वन आंसर सेम ही होता है, तो अगर आप लोग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें तो वो भी माइनस वन है, और अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू को देखें तो वो भी क्या होती है, माइनस वन। तो यहां पे ये वैल्यूज पुट कर दें आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट करना है, माइनस वन, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स वाई, इसी तरह यहां पे भी आपने माइनस वन पुट करना है, साथ में आ जाएगा वाई जी, और यहां पे भी आप लोगों ने माइनस वन पुट करना है, साथ में आ जाएगा एक्स जी। एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई जी प्लस माइनस माइनस एक्स जी। तो यही आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड थी आप लोगों के पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। तो यहां से आप लोग माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था, यही आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, उसमें भी आप लोगों ने राइट हैंड साइड को लेके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।